हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम ये वीडियो डिवोट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अलजेब्रा लवर्स को। तो अगर आपको भी अलजेब्रा से लव है तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपको ये वीडियो जरूर देखना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें इसमें कंडीशंस हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवन है ना, और इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए कि मैंने 3 दे दिया, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू दे दिया हमने। अब आपसे मैं मांगता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, और x टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एक्स फाइव की वैल्यू कितनी होगी, एक्स सिक्स प्लस वन बाई एक्स सिक्स की वैल्यू कितनी होगी ना। तो देखो इतना अच्छा, कुछ और ले लेता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। x टू द पावर 7 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी, और x टू द पावर 8 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी। देखो आप चाहो तो जितनी मर्जी आप लिखो, आप जितनी मर्जी लिखो, देखो कितना आसानी से और कितनी फास्ट मैं करता हूं कैलकुलेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, हाँ ये ही है ना, तो सीधा आप बात करेंगे 9 और माइनस 2 विल बी 7। अच्छा एक्स क्यूब है क्या, तो हम क्या बात करेंगे, 3 जा 9 यानी कि 27 और माइनस 9 इक्वल टू 18 आ जाएगा। अच्छा मैं x4 की बात करूं, स्टूडेंट्स अगर हम x4 की बात करेंगे तो x4 करेंगे तो क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 49 और माइनस 2 विल भी देखो 47 आ गया। अगर हम बात करेंगे x टू द पावर 5 की, x टू द पावर 5 की बात करेंगे तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 18 × 26 से, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 18 × 26 से, और माइनस थ्री यानी कि 123 आप इसका आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं x टू द पावर 6 की, तो 6 कैसे आएगा स्टूडेंट, तो 3 को अगर मैं बात कर दूं स्क्वायर कर दूं तो 18 × 18 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा 324। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 324, और इसमें आपको माइनस करना है 2 क्योंकि ये ऑड इवन नंबर है, तो इस तरह से 322 आपका आंसर है। अच्छा अब देखो x टू द पावर 7 की बात करेंगे, अगर हम x टू द पावर 7 की बात करेंगे तो 7 की बात करेंगे तो 4 और 3 यानी कि ये दोनों मिलाने के बाद 7 वो आपका 7 हो जाएगा, तो 18 × 18 × आप 47 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 47 जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका कितना होना चाहिए 846। अच्छा इसमें क्या देखो ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 843 आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब मैं बात कर लेता हूं लास्ट में x टू द पावर 8 प्लस 1 बाय 8 x टू द पावर 8, तो देखो ये कैसे आएगा, 5 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट तो x टू द पावर 8 आ जाएगा, तो इनका जो राइट साइड में है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 123 × 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लेना इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए 22 × 14। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या माइनस करेंगे, तो देखो जब माइनस करोगे स्टूडेंट तो आपका ये वाला पूरा फॉर्मूला बच जाएगा यानी कि पूरा का पूरा हम माइनस कर देंगे 7, तो इस तरह से आपके पास 2207 आ जाएगा ना। तो देखो कितना 2 मिनट के अंदर ये 7 सवालों के आंसर हो गए, 7 क्वेश्चंस 2 मिनट के अंदर हो गए, और अगर इसका कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे स्टूडेंट्स, आप हमसे भी ज़्यादा फास्ट करोगे। आइए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही खुद कर लेना। हाँ देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडीशन है और आपसे पूछता है पहला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। हाँ स्टूडेंट्स को देखो जहाँ तक मेरा अनुमान है पहला और दूसरा वो बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसके फर्दर क्वेश्चन आ जाते हैं वो एकदम उनके हाथ पाँव ढीले और फूलने लग जाते हैं। तो यार मेरे भाइयों आइए देखिए हम आपको सारे क्वेश्चंस जितनी संभव हो सके उतनी फास्ट में कराने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला हमने उठा लिया, इन्होंने बोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं एक्स स्क्वायर और वन बाई एक्स स्क्वायर यहां पर यानी पूरी टर्म को स्क्वायर दोनों तरफ कर दूं तो क्या होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर फर्स्ट टर्म में करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास बच जाएगा 2ab है ना, तो 2 और देखो एक्स और बी आपका 1/x है ना, ये वाला आप ए ले लो इसको आप बी ले लो, तो इस तरह से आप देखो कि एक ए जो है हमारा एक्स है और बी जो है हमारा 1/x है, तो ये दोनों कट जाते हैं हाँ, और इसको आप बात करोगे तो ये इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, तो आप देखो 9 और ये जो 2 उधर जाके माइनस करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 - 2 = 7 जो आपका आंसर है।
अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर यहां पे टू कह रहा है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू 18 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। तो इसी बात को हम ना अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्या करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो पहला तो एक क्यूब हो जाएगा और दूसरा आपका बी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास प्लस 3ab। ध्यान से देखिएगा 3ab, तो x तो यही है और b आपका ये है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना। और अब इसका जब क्यूब करेंगे तो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 27। ध्यान से देख लो 27 हो जाएगा, है ना। 3x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी होता है स्टूडेंट्स यहां पे, ए प्लस बी। देखो ध्यान से, और इधर आया 27। अब इसको तो इसको काट दिया आपने। अब यहां देखो 3 तो आपका पहले ही है और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 है, तो आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 9। तो अब फाइनल जो आपका राइट साइड में है 27 और माइनस 9 करोगे तो 18 आ रहा है, जो कि आपका किसका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का रिजल्ट है, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा तसल्ली से और आराम से बात करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसीलिए क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखो एक्स फोर हमारा कब आएगा यार, तो हमारे पास जो अभी कंडीशन आया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं इन्हीं बातों को स्क्वायर डबल कर दूं, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या x टू द पावर 4 मिल जाएगा। बस हमें यही लॉजिक देखना है कि कहां पे क्या होगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और इसके राइट साइड में जो वैल्यू है आपका देखो 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ना ए स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स फोर और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। अच्छा प्लस 2ab करोगे, 2ab तो ये दोनों कट जाएंगे, 2ab ए और बी आपस में कट जाएगा, तो ये जो 2 होगा स्टूडेंट सीधा हम माइनस करके बाहर उधर लिख देंगे। अब 7 × 7 = 49 देखो कितना मिला आपको 47, जो कि आपका एग्जैक्टली आंसर है ना। तो मैं यहां बात करता चल रहा हूं x टू द पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आइए x टू द पावर 5 कब आएगा, आप खुद देखो कि 3 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये तो x टू द पावर, अच्छा देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूं जरा। इधर है आपका क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर इधर का लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड, देखिए एक्स क्यूब और प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का लेफ्ट हैंड। अच्छा उसका राइट साइड में क्या है 7 और इसकी राइट साइड में क्या है 18, देखो 18 है ना। तो अब हम क्या बात करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहला पहला करेंगे x टू द पावर 5, अच्छा पहला दूसरा करेंगे तो देखो यहाँ पे कट जाएगा स्क्वायर से सीधा कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई एक्स। अच्छा जी अब मैं दूसरा लेके चलता हूँ, दूसरा पहला करोगे तो देखो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा x बच जाएगा। अच्छा अब दूसरा और दूसरा मल्टीप्लाई, दूसरा और दूसरा, तो देखो x टू द पावर 2 x टू द पावर 3 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे x टू द पावर 5। और यहाँ देखो 18 × 7 कितना होता है 126, छबील से आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा 1 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, आप यहां देखो 3, तो यहां पे 3 पुट करो, 3 पुट क्या करो उसको उस तरफ लेके जाओ सीधा, तो देखो 126 इधर है और यहां पे ये माइनस 3 हो गया, तो कितना हो गया 123, जो कि आपका आंसर है और आप आराम से और कंसेप्चुअल देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं 6 की, है ना, हम बात कर लेते हैं 6 की। आइए 6 की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, तो देखो 6 कैसे आ सकता है ना, तो मैं बात कर लेता हूं 3 ये वाली वैल्यू को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको देखो x टू द पावर क्यूब और प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर क्यूब है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या क्यूब नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। या फिर आप चाहो तो इसको 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 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 × 4 × 6 3 बार इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम ही आएगा, आप चाहे जैसे करना है कर लीजिए। तो देखिए इसकी बात करूं मैं, इसके राइट साइड में क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब की राइट साइड में क्या है 18 है, 18 है। चलिए अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाइए, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 6 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 6 और उसके बाद होता है 2ab, है ना, 2ab तो 2 तो कट जाएगा, तो सीधा यहां जो प्लस 2 है उसको हम करेंगे 18 का होल स्क्वायर और माइनस 2। अच्छा 18 का जब होल स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 324, 18 × 18 करोगे 64 है ना, 324 माइनस 2, तो देखो 322 जो है वो आपका क्या है, वो आंसर है, आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं। अच्छा जी अब 7 भी बात कर ही लेते हैं साथ के साथ। देखिए 7 की अगर बात करी जाए x टू द पावर 7, अच्छा पहले ये बात करो कि ये वाला 7 पावर वैल्यू आएगा कैसे, तो देखो अगर मैं 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 आ जाएगा, है ना, तो 3 और 4 को कर लेते हैं लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड वाले को राइट हैंड के साथ, तो राइट हैंड में है स्टूडेंट 18 और इनटू है आपका 47, चलो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड के अंदर है 18 के लेफ्ट हैंड इधर एक्स क्यूब और प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स टू द पावर 4
और प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर से। चलो हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए, देखो एक्स टू द पावर सेवन और प्लस सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर सेवन और ये चाहिए, उसके अलावा जो भी आएगा हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे। देखो पहला का दूसरा, तो यहां पे देखो यहां एक्स क्यूब है ना, क्यूब है तो पूरा फोर कट जाएगा, यहां पे बच जाएगा सिर्फ वन बाई एक्स। अच्छा यहां पे वन बाई एक्स क्यूब है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब से सीधा फोर बचेगा, कट जाएगा, तो अब आपके पास बच जाएगा एक्स और ये हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे। अच्छा देखो 18 इंटू जब 47 करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 846। देखो 8 सत्तर 56 है ना 46। अब इसमें क्या पुट करोगे, यहां देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये जो 3 यहां पे प्लस 3 लिखोगे इसको हम उस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो अब यहां पे देखिए जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा 843। कितना की वैल्यू, इतनी की वैल्यू 843 आ गई। और अब हम बात कर रहे हैं अंतिम क्वेश्चन, एक्स टू द पावर 8 और अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर 8। बहुत आराम से और बड़ा तसल्ली से आपको देखना है। देखो इस वीडियो के अंदर नो कट नो ड्रामा, ओनली स्टडी। अच्छा एक बात और यहां मैं बताता चलूं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स को पूरा स्पीड में लेके चलते हैं, है ना, पूरा स्पीड में लेके चलेंगे और उससे क्या हो जाती है, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, बाय मिस्टेक हो जाती है, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, ना तो हमें स्पीड करना है, ना तो हमें एक्यूरेसी पे बात करनी है, हमें बात करनी है सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैथमेटिक्स की जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको आगाह करता हूँ कि हमें सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, हमारा सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए माइंड पे। अगर हमारा माइंड पे कंट्रोल होगा तो एक्यूरेसी और स्पीड अपने आप बनेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, मैं खुद ही आपके सामने कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन लेके हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आइए एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8। अच्छा ये कैसे आ सकता है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो सर, आ जाएगा, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 इधर ले लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो 18 से, इनको छोड़ दीजिए यहां पे। अच्छा अब लेफ्ट में क्या बच गया, देखो x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई x टू द पावर 3 और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर 5 और प्लस 1 बाई x टू द पावर 5 से। देखो x टू द पावर 8 तो होना ही है और अगर सेकंड को सेकंड से करोगे तो x टू द पावर 8 तो होना ही है 1 बाई में। अच्छा अब रहेगी बात पहले का दूसरा, देखो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो यहां बच जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यार 3 है ना या 5 है तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा तो 2 बच जाएगा। अच्छा अब यहां पे क्या बचेगा, देखो दूसरा पहला तो यहां पे 3 से 3 तो कट जाएगा 2 बच जाएगा तो यहां पे बच गया एक्स स्क्वायर। बहुत आराम से देखो अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे 123 इंटू 18 जब आप करोगे स्टूडेंट्स तो ये होना चाहिए 8 × 3 = 24 यानी कि 22 × 14। अब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लाए हो आप, ये है आपका 7, तो आप यहां पे 7 पुट करो। अरे 7 पुट क्या करना है यार, 7 पुट क्या करना, उसको राइट हैंड में लेके जाओ ना, तो इसको अगर आप राइट हैंड में लेके जाते हो तो ये होगा आपका 22 × 14 और -7। रिजल्ट क्या रहा है, 2 × 7 किसका रिजल्ट है, x टू द पावर 8 और 2 × 1 x टू द पावर 8। देखो तो आपको उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सब कुछ, एक एक बातें। हाँ देखो यहां तक तो पेपर में कभी नहीं पूछते यार, 8 तक 7 तक तो कभी नहीं पूछते है ना, वो ज्यादातर यही इन्हीं में माथापेची कर देते हैं। ये 3 क्वेश्चन x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 और x टू द पावर 6 यहीं तक रहते हैं। बट क्या है, मैंने सोचा कि आपको और भी एक दो स्टेप आगे लेके चलूं ताकि अगर इनकेस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटना है ना। मैथ्स मिरेकल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, इसमें सिर्फ मैथ्स और मैथ्स से रिलेटेड बात करी जाती है, तो आप लगातार वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।